हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल हरे कृष्णा डिवोशन पे। हम अक्सर सुनते हैं कि माता पिता के की गए अपराधों की सजा संतानों को भुगतनी पड़ती है, तो क्या ये बात सत्य है? मेरे पास अक्सर प्रश्न आते हैं, क्या माता पिता की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी? तो आज की कथा कुछ ऐसी ही होने वाली है, धर्मराज यमराज की, जो कईयों को पुण्य दिलाते थे और अपराधियों को उनके दंड की सजा दिया करते थे। लेकिन क्या हुआ जब उनकी खुद की ही पुत्री अपराध करने लगी और पाप करने लगी? तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। ये कथा ली गई है पद्म पुराण से। यमराज की पुत्री सुनीता बचपन से ही काफी उद्दंड थी और भली भांति वो ये बात जानती थी कि उसके पिता न्यायाधीश की तरह कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी वो पाप और पुण्य के बीच के भेद को नहीं समझ पाती थी। और यमराज भी अपनी पुत्री को कभी समझाने का प्रयास नहीं करते थे, क्योंकि वो ये विचार किया करते थे कि पुत्री जब बड़ी हो जाएगी तब सब कुछ समझ जाएगी, भी ना समझ। और उसके उद्दंड पर यमराज आनंदित हुआ करते थे। लेकिन सुनीता के अपराध बढ़ते चले गए और एक दिन एक गंधर्व जो कि तपस्या में लीन था, सुनीता उसे अकारणवश ही उसके ऊपर कोड़ों की बौछार कर दी और उसे कोड़ों से मारने लगी। गंधर्व छटपटाने लगा, उसे दर्द काफी हो रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि धर्मराज की बेटी थी। लेकिन जब उसे दर्द सहा नहीं गया तब उस गंधर्व ने यमराज की पुत्री को श्राप दिया, तो धर्मराज की बेटी है लेकिन तेरा विवाह एक ऋषि से होगा और तुझे उससे एक पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र को तेरे अपराधों की सजा को भुगतना होगा। समय बीतता चला गया, पुत्री सुनीता बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, लेकिन सुनीता से विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं था क्योंकि सब ये बात जानते थे कि सुनीता श्रापित है। इस वजह से सुनीता काफी दुखी रहने लगी। अब यहाँ पे रंभा नाम की अप्सरा ने सुनीता की सहायता करी और सुनीता को मोहिनी विद्या सिखाई जिससे वो किसी को भी मोहित कर सकती थी। अब सुनीता और रंभा अप्सरा सुनीता के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ी। सुनीता एक नदी के तट पर अत्रि कुमार अंग के ऊपर मोहित हो जाती है अपनी मोहिनी विद्या चलाकर, साथ ही साथ रंभा अपनी माया चलाकर उसको भी मोहित कर लेती है। अत्रि कुमार अंग और सुनीता दोनों ही एक दूसरे पर मोहित होने के बाद दोनों का विवाह होता है और काफी समय तक वो अच्छे से प्रसन्न रहते हैं। अब उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम वेद रखा जाता है। वेन अपने ही पिता के गुणों के अनुसार काफी धर्मात्मा और काफी अच्छे कर्म किया करता था, लेकिन माता का श्राप का असर शुरू होना शुरू हो गया। वेन अब दुराचारी हो गया। वेन माता के अपराधों की सजा भुगतने लगा, अपराध पे अपराध करने लगा, नगर की प्रजा को सताने लगा। इस बात से परेशान अत्रि कुमार अपने अपयश को देखते हुए एक दिन राज्य को छोड़कर चले गए, क्योंकि अब राजा रहा नहीं तो अत्रि कुमार के पुत्र यानी वेन को राजा बनाया गया। अब वेन जैसे ही राजा बना वो और दुराचारी हो गया और वो और अपराध करने लगा। इस वजह से वहाँ के नगर की प्रजा ऋषि मुनि ने काफी विद्रोह किया और विद्रोह करते करते उसे उस राजा के पद से हटा दिया। राजा के पद से हटाने के बाद वो असहाय हो गया और जंगल की ओर चला गया। अब क्योंकि राज्य को चलाने के लिए किसी राजा की आवश्यकता है तो वेन के पुत्र पृथु को वहां का राजा बनाया गया। तो देखिए तात्पर्य है कि माता पिता के अपराधों की दंड जो है, अपराधों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, संतानों को भुगतनी पड़ती है। जैसे यहाँ माता सुनीता की सजा, माता सुनीता के अपराधों का दंड जो है उसे उसके पुत्र वेन को भुगतना पड़ा। तो इस वजह से कहा जाता है कि एक संतान की अच्छे भविष्य की कामना केवल माता कर सकती है। माता यदि गर्भवती है और वो उसे शुरुआत से ही भगवत गीता या भागवतम का श्रवण करे और अपने पुत्र को सिखाए तो पुत्र उसका भक्ति के मार्ग पर जाएगा, ना कि उद्दंड बनेगा और ना ही उसे अपराधों को भोगना पड़ेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आते रहती हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे साथ प्रेम से उधर आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।